खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद ने संविधान की शपथ को फिर से बनाया है नंबर वन शो। हमारी ये कोशिश रहेगी आगे भी आपका साथ यूं ही बना रहे। बात आज के मुद्दे की, नागरिकता संशोधन बिल कल राज्यसभा से भी पास हो गया, अब राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये कानून अमल में आएगा, लेकिन इस बिल को लेकर सियासत जमकर हो रही है। देखिए, मुसलमानों का नाम लेकर बार बार विपक्ष ने इस बिल के जरिए सरकार की घेराबंदी की, तो कल गृहमंत्री अमित शाह ने देश के मुसलमानों के लिए फ्रंट फुट पर आकर कहा कि मोदी राज में किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन विपक्ष नागरिकता बिल को एनआरसी से जोड़कर डिटेंशन सेंटर तक की एक डरावनी तस्वीर दिखाने में जुटा है। तो आखिर नागरिकता संशोधन बिल के नाम पर देश का मुसलमान क्यों डरे? धर्म के आधार पर विभाजन, मैं स्पष्टता से मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ही देन इस देश को है। किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा? किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। नागरिकता बिल पास लेकिन बवाल जारी। संविधान के जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है ये बिल लाके, उसके सामने हमारा जो भी है विरोध है। उन्होंने कहा कि लैंडमार्क डे है, इट्स नॉट अ लैंडमार्क डे, इट्स अ ब्लैक डे। दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने इनको ठुकरा दिया है, इसलिए एक वोट बैंक इनको अपना आखिरी सहारा दिख रहा है। इसके लिए वो इस देश को करोड़ों मुस्लिम साथियों से भी छल कर रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं। मुसलमान के नाम पर कल संसद में खूब हुआ संग्राम। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या? इस्लामी राष्ट्र का मतलब क्या? मतलब ये है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कई लोगों के भाषणों में, किसी नेता या मंत्री का नाम मैं नहीं ले रहा हूं लेकिन इनके सहयोगियों का, कि हम हिंदुस्तान को मुस्लिम मुक्त बनाएंगे। कई लोग तो तारीख तक बता देते हैं कि 2021 तक मुस्लिम मुक्त बनाएंगे, 2024 तक मुस्लिम मुक्त बताएंगे। जावेद अली खान, आप भी चाहोगे तो ये देश मुसलमान मुक्त नहीं होगा, चिंता मत करो। इस देश के हर नागरिक को अपना अधिकार मिले, ये नरेंद्र मोदी सरकार का प्राथमिक दायित्व है। इस देश का संविधान जो इस देश को कभी भी मुस्लिम मुक्त बनाने का परमिशन नहीं देता है। देश के मुसलमानों के लिए फ्रंट फुट पर सरकार। 6 धर्म के लोगों को ला रहे, इसका कोई एप्रिसिएशन नहीं है। सिर्फ मुस्लिम क्यों नहीं है ये बात पूछी। पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहाँ आए इसको भी हम नागरिक बना दे, बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे, अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे, तो क्या कहना चाहते? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे। देश का मुसलमान क्यों डरे? तो ये है सवाल, देश का मुसलमान क्यों डरे? आज इस चर्चा के जरिए आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय कराते हैं, खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब। मुस्लिम स्कॉलर इलियास शरफुद्दीन हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीपीआई के नेता विवेक श्रीवास्तव जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी जी, साथ ही वारिस पठान AIMIM के नेता हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता कि आपको यह जानना चाहिए कि मुसलमान के नाम पर किस तरीके से डर की एक राजनीति जो की जा रही है, उस डर की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके के सवाल सामने निकल कर आए और उनके जवाब भी दिए गए। यह जानने चाहिए आपको, जो सवाल उठे वो ये कि मुस्लिम विरोधी है बिल क्यों है? जवाब दिया गया देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है यह बिल। अगला सवाल जो उठाया गया विपक्ष की तरफ से, नागरिकता में धर्म के हिसाब से भेदभाव क्यों? जवाब आया भेदभाव नहीं है, जो सताए गए मुस्लिम बहुल देशों के नागरिक अल्पसंख्यक
उनको हम रियायत दे रहे हैं। सवाल पूछा गया मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं, जवाब दिया इसी मोदी राज में 566 मुसलमानों को नागरिकता दी है हमने। सवाल पूछा गया नागरिकता पर सांप्रदायिक बिल क्यों लेकर आए, जवाब दिया मुस्लिम नहीं है तो मतलब बिल सांप्रदायिक हो जाएगा, सिर्फ हिंदू तो नहीं है। इस बिल के अंदर 6 धर्मों के लोगों को जगह दी गई है जो मुस्लिम बहुल देशों में अल्पसंख्यक हैं। अच्छा सवाल यह भी रखा गया मुस्लिम मुक्त भारत चाहती है मोदी सरकार, यह कहा गया। इसका जवाब आया अल्पसंख्यक कल्याण का बजट इसी मोदी सरकार ने बढ़ाकर 4,700 करोड़ किया है। मुस्लिम मुक्त भारत यह सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है, मोदी राज में इस देश का मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं इलियास शरफुद्दीन का रुख करूंगी। इलियास शरफुद्दीन साहब, डर लग रहा है क्या इस देश के मुसलमान को? रुमाना, मैं एक बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चा मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। रशिया से भिड़ गए, अमेरिका से भिड़ गए, नाटो से भिड़ गए, ये आरएसएस बीजेपी वाले तो बच्चे हैं छोटे, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। मुसलमान डरावा नहीं, फिक्रमंद है। मुसलमान खुद के लिए, देश के लिए, 225 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए फिक्रमंद है। ऐसा बिल लाए हैं जिसमें एनआरसी से हमारे प्रेसिडेंट की फैमिली को निकाल दिए रजिस्टर से, आसाम की पहली खातून से मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की फैमिली को निकाल दिए, 30 साल से आर्मी में सर्विस देके कारगिल में खून पसीना बहाया वो मुस्लिम ऑफिसर को निकाल दिए, तो कहीं हमारी सिटीजनशिप खतरे में ना पड़े। और उसके बाद दूसरों को तो मिल जाएंगी कैब से, हमको नहीं मिलेंगी। फिक्रमंद है, डरे हुए नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात साफ तौर पर समझा देना चाहते हैं कि देश में आग लग रही है कैब से आसाम से लेके बंगाल तक, केरला से लेके कश्मीर तक प्रॉब्लम है। तो ये बात ना हो, तमाम लोगों के लिए शांति उन्नति का ऐसा बिल लाइए जिसमें आपसी टेंशन और भेदभाव की वो ना हो। इलियास साहब, प्रॉब्लम बीजेपी का ये है। इलियास साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। इलियास साहब ठीक है, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, नेता नहीं है, इस वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा था। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से एक नेता की तरह लच्छेदार तरीके से अपनी बात रखी कि साहब डर नहीं है, फिक्रमंद है। मैं ये बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देती हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस बीच। अयोध्या पर पुनर्विचार की 19 अर्जियां लगाई गई थी, सभी अर्जियां खारिज। अयोध्या मामले पर पुनर्विचार की अर्जियां सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। तो सभी पक्षों की तरफ से जो आगे आकर इस मामले में अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी उनको अदालत ने खारिज कर दिया है। मतलब अदालत का जो फैसला वही फाइनल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रास्ते में किसी तरीके का कोई कानूनी रोड़ा, कोई कानूनी अड़चन नहीं। सीधे रुख करते हैं, निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निपुण, अर्जियां जितनी लगाई गई थी सब अदालत ने खारिज कर दी हैं? जी बिल्कुल, देखिए 19 अर्जियां थी और आमतौर पे पुनर्विचार याचिकाओं पर जब इन चैम्बर विचार होता है, यानी जज जब बंद चैम्बर में फाइल को देखकर तय करते हैं कि इन पर दोबारा सुनवाई करने की जरूरत है या नहीं, खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या इस फाइल में कोई ऐसी बात कही गई है जो हमसे कमी हो गई, फैसला देते वक्त आमतौर पर 5 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन 19 मामले थे, 19 पुनर्विचार याचिकाएं थी और कोर्ट ने भी करीब 50 मिनट का वक्त दिया, 10 गुना ज्यादा समय दिया गया है। 5 जजों ने बैठकर विचार किया है और आखिरकार जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि 5 जजों का ये मानना है कि इन याचिकाओं में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिनका जवाब 1045 पन्ने का जो फैसला 9 नवंबर को दिया गया था उसमें दर्ज नहीं था, कोई भी नई बात नहीं कही गई है। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी निपुण सहगल की तरफ से दी गई है कि देखिए जो पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी अयोध्या मामले पर 19 ऐसी याचिकाएं थी और सबकी सब अदालत ने खारिज कर दी है। मेरिट नहीं पाई अदालत ने, किसी भी याचिका में कोई मेरिट नहीं पाई, इस वजह से इन याचिकाओं को खारिज किया। अदालत की तरफ से यही कहा गया है कि ये जो याचिकाएं हैं इनमें जो बातें कही जा रही हैं उनके तो सबके जवाब हमने दे दिए हैं विस्तार से। जो करीब 1100 पन्नों का जजमेंट था, अगर उस जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो फिर इन याचिकाओं के जरिए जो सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है वो तमाम सवालों के जवाब उसी जजमेंट में हैं। निपुण सहगल अगर मेरे साथ हैं आप, क्या अभी निपुण आप हैं मेरे साथ, सुन पा रहे हैं मुझे? निपुण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर यही कि अयोध्या पर पुनर्विचार की 19 अर्जियां लगाई गई थी सब खारिज हो गई हैं। संगीत रागी साहब,
मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो अंतिम रूप से जो अंतिम रोड़ा बन सकता था और जिसे लगाने की कोशिश राम मंदिर के विरोधियों ने किया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पूरा देश जानता है कौन इसके पीछे है, लेकिन वो अंतिम रूप से आज वो खत्म हो गया और मुझे लगता है राम मंदिर का रास्ता, भव्य राम मंदिर का रास्ता जो है वो अब साफ हो गया है। सरकार को ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी ट्रस्ट बनाए। मुझे लगता है विवेक जी को आना चाहिए यहाँ पर। विवेक जी, अदालत ने फैसला सुना दिया और अब जिस तरीके से पुनर्विचार अर्जियां जो थी वो भी सबकी सब खारिज हो गई हैं, मतलब इस मामले में अब विराम लग जाना चाहिए सर। वो तो देखिए आगे डिपेंड करता है क्या क्या रुख लोग अपनाएंगे जिन्होंने अर्जियां डाली थी, किस टेक्निकलिटीज पे वो रिजेक्ट किया गया है, ये सब बातें अभी देखी जाएंगी। लेकिन हाँ, जो कोर्ट का फैसला है वो मानना चाहिए, अगर कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को एक रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक और बात बताना चाहूंगा, एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि ये अभी जो पुनर्विचार याचिका थी उनमें कौन लोग थे आपको मालूम है? वो वही इंटेलेक्चुअल्स लोग थे जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को सलाह देते रहे थे और इतने लंबे खींचने में, अयोध्या मुद्दे को यदि लटकाने भटकाने और अटकाने में साजिश के तौर पर कांग्रेस पार्टी थी। साजिश नहीं होती है, कोर्ट कोर्ट वामपंथी इतिहासकार और वामपंथी सहमति भी इसमें शामिल। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, बेशक मंदिर बने या मस्जिद बने, जो भी कोर्ट कहे वो फाइनल होना चाहिए, देशवासियों को मानना चाहिए, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया पे हम सवाल ना उठाएं। सिर्फ यही एक कोर्ट केस नहीं है इस देश में जो डिले हुआ है, हजारों लाखों केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, रेप के केसेस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग, निर्भया वाले केस में अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो मात्र ये कहना कि साजिशें हैं ये ठीक नहीं होगा, इससे देश बटेगा। जो कोर्ट का फैसला है, सदियों पुराना कोई मामला नहीं था ना, सदियों पुराना कोई मामला नहीं था ना, इस तरीके से करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला नहीं था ना। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया, मुझे लगता है मुझे वारिस पठान का रुख कर लेना चाहिए। वारिस पठान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वारिस पठान साहब, अब तो पुनर्विचार याचिकाएं भी अदालत ने खारिज कर दी है, अब तो इस पूरे मामले पर फुल स्टॉप लग जानी चाहिए ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं लॉयर भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानता रहूंगा, मगर जैसे जस्टिस वर्मा ने कहा और हमने भी हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, वैसे आपने खुद ने जजमेंट देखा था रोमानी की जजमेंट में कितनी सारी खामियां सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि जो 1949 में रात के अंधेरे में मुठ्ठी रख दी थी, गैर कानूनी था। 1992 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था वो गैर कानूनी था, इलीगल था, उस पर लोगों पे केस है, ऐसा माना था सुप्रीम कोर्ट ने। सर, उसी बुनियाद पर लोगों ने याचिकाएं फाइल की थी, वो नहीं दिखा पाया कि उसका मालिकाना हक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना ना सर, आप लोग अपनी सहूलियत से आधा सच क्यों दिखाते हैं, आधा सच क्यों बताते हैं सर, तस्वीर तो पूरी देखनी चाहिए तभी मुकम्मल तस्वीर नजर आती है ना। रोमाना जी के हम लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सबूत नहीं दिया, रोमाना को रेफरेंस नहीं दिया, मालिकाना कैसा उठा के दे दिए, 5 एकड़ का जमीन दे दो, फुसला दो, हमको नहीं चाहिए था 5 एकड़ का लैंड। हमारी लड़ाई हक की थी, अधिकार की थी, हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, तो कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। रोमाना जी, अगर एक घर में रह रहे हैं, कुछ लोग घुस जाते हैं उस घर में, आपको घर से जबरन खाली कर दिया जाता है। सर, इस तरीके के आप एक कॉलर के अंदर एक ये कह रही हूँ कि अब समय निकल गया, मैं आपसे ये कह रही हूँ सर कि अब समय निकल गया ना। ये जो आप एग्जांपल देकर मुझे समझा रहे हैं ये पूरा देश जानता है, समझता है। बात तो ये है कि ये देश लोकतंत्र, ये देश जो कानून से चलता है, संविधान से चलता है, इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और जब वो फैसला सुना देती है उसके बाद पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की जाती है, जो आप लोगों का राइट था, अच्छा किया आप लोगों ने किया, अब वो खारिज हो जाती है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि सैयद जफर इस्लाम, अब इस मामले पर कम से कम फुल स्टॉप लगनी चाहिए, अब भव्य राम मंदिर के रास्ते में किसी तरीके का कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए ना, ये देश की भावना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। जो इलियास शरफुद्दीन साहब की आवाज कम कीजिए, बोला कीजिए सर बारी बारी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि जो जहरीली बातें करने वाले लोग आज कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब उनके रिजेक्ट हो गया रिव्यू पिटीशन तो कम से कम जहरीली बात करना बंद करेंगे, गलत बयानी से काम लेना बंद करेंगे, लोगों को सिर्फ चंद वोटों के लिए गुमराह करने को बंद करेंगे। और सऊदी ने वैसे ही जिस तरह की बात कही थी, खुद वो लॉयर हैं, हारिस पठान लॉयर हैं, इनको कम से कम लॉ पर तो यकीन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल अपना आखिरी फैसला सुना दिया, ये बिल्कुल ये बात अब यहीं दब जानी चाहिए,
जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उस फैसले के मुताबिक जो बनना है बने, और कम से कम आम नागरिक और आम मुस्लिम को जिस तरह से वर्गलाने का काम करते थे, गुमराह करने का काम करते थे, बहकाने का काम कर रहे थे, वो कम से कम अब इन लोग नहीं कर पाएंगे, वरना बिल्कुल इनको बिल्कुल भी सर मैं इलियास शरफुद्दीन के पास जाऊं। इलियास शरफुद्दीन साहब यही तो पहले कहा गया था ना, इलियास शरफुद्दीन साहब सवाल सुनेंगे तब जवाब दीजिए। इलियास शरफुद्दीन साहब ये पहले से कहा गया था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो मान लेंगे, आप लोगों ने मान लिया, आप लोगों ने आगे जो कानूनी आपके पास रास्ता था कि पुनर्विचार याचिका का वो भी आप लोगों ने अपना लिया। अब तो सर खत्म किया जाना चाहिए ना मामला, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया फिर पुनर्विचार याचिका जो आप लोगों का लीगल राइट था वो भी एक्सप्लोर कर लिया। सेवन जज बेंच या नाइन बेंच बेंच को जाना चाहिए, पार्लियामेंट से लॉ निकलना चाहिए कि जो क्रिमिनल मस्जिद तोड़े वो जेल में जाए, जो मूर्ति रखकर जगह को खराब किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीसेक्रेटेड करे वो जगह को पाक किया जाए, और वेदा गीता कुरान हदीस की रोशनी में एक ईश्वर की पूजा हो, मूर्ति पूजा ना हो, ये अल्लाह रसूलुल्लाह श्री राम श्री कृष्ण का हुक्म। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एएनजी की रिपोर्ट भी यही बोली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, रिपील होना चाहिए। इलियास शरफुद्दीन साहब ये लोकतंत्र है सर, इलियास शरफुद्दीन साहब हम लोकतंत्र में रहते हैं सर, हमारा जो लोकतंत्र है वो संविधान से चलता है सर, कानून से चलता है। इलियास शरफुद्दीन की विम्स एंड फैंसीज से, इलियास शरफुद्दीन की ख्वाहिशों हस्तकों से ये लोकतंत्र नहीं चलता। आइए संगीत जिस प्रकार कम कीजिए प्लीज, इलियास शरफुद्दीन की आवाज अब कम कर दीजिए। देखिए मैं अपना शो संविधान की शपथ लेकर आती हूँ और मेरा कतई मकसद नहीं है कि मैं इस शो के जरिए सनसनी फैलाऊं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दर्शक सुन पाए समझ पाए हर पक्ष को। आइए आप संगीत रागी जी। रुमाना जी देखिए, अब इलियास हुसैन जी को अब लग रहा है कि से ये पांच जजों की जो बेंच है जो चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में हुआ, इसने जो निर्णय लिया सर्वसम्मति से निर्णय लिया वो भी गलत है, पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनाई से और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कोई भी नया सब्सटेंशियल फैक्ट नहीं दिया है जिसके आधार पर हम ये इसे पुनर्विचार कर सकें, वो भी इनको गलत लग रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि नौ जजों की बेंच में जाए, नौ जजों की बेंच यदि कहती तो फिर कहते ये जो है वो पंद्रह जजों की बेंच में आप भेजिए। इनको विश्वास नहीं होगा, इनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। जरा सुनते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा सुन लेते हैं। और लेकिन अभी आपके रास्ते पूरे बंद नहीं हुए, उसके बाद भी एक लीगल में एक ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप क्यूरेटिव पिटीशन इसमें। ये देखिए रिव्यू पिटीशन भी जो हमने दाखिल किया था उसकी बुनियाद हमारी वर्किंग कमेटी का फैसला था। जमीतुलमा खुद एक अगरचे मजहबी जमात है लेकिन एक कानून है, हमारी वर्किंग कमेटी ही फैसला करती है, इसलिए हम बगैर वर्किंग कमेटी के फैसले के कोई कदम हमने पहले भी नहीं उठाया और बाद में भी नहीं उठाएंगे। अच्छा, कल एक बहुत संसद में जिस तरह राज्यसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल, नागरिक संशोधन बिल जिस तरह पास किया गया, क्या आपका रुख रहेगा इस पर, अभी आपका क्या विचार है? हम इस बिल को भी और आइए एक बार फिर से जरा रुक करते हैं जल्दी से निपुण सहगल का। निपुण ये बता दीजिए कि अब हर कानूनी अड़चन दूर राम मंदिर के रास्ते में, या अभी कोई और विकल्प जो बचता है? देखिए विकल्प तो है क्यूरेटिव पिटीशन का, लेकिन क्यूरेटिव में तो और भी ज्यादा गंभीर स्क्रूटनी होती है। जब पहला जो स्क्रूटनी था रिव्यू का उसको ही पार नहीं कर पाई याचिका करता, क्योंकि मैंने बार बार पहले भी कहा था कि 1045 पन्ने का विस्तृत फैसला था, 40 दिन की सुनवाई हुई थी, सभी पक्षों को सुना गया था। तो रिव्यू पिटीशन में ऐसी कोई बात जजों को नहीं मिली जो कि पहले नहीं कही गई थी, या जिन बातों का जवाब 1045 पन्ने के फैसले में नहीं दिया गया है। ऐसे में दोबारा सुनवाई को गैर जरूरी माना है। जज इसी बात को देखते हैं, 50 मिनट तक पांच जज बैठे रहे और उन्होंने बारीकी से देखा कि क्या कोई बात ऐसी है जो उनसे छूट गई थी, कोई नई बात ऐसी निकल कर आई है जिसको सुना नहीं गया, या सुना तो गया लेकिन जवाब देने में कमी रह गई कोर्ट की तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं पाई गई। मैं दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि कुल 19 याचिकाएं थी, उसमें से 10 तो मूल पक्षकारों की थी, उनकी याचिका को सीधे खारिज किया गया है मेरिट के आधार पर कि उनमें कोई नई बात नहीं मिली। 9 नए पक्षकार थे जिसमें कि 40 सामाजिक कार्यकर्ता थे, कई और संगठन थे, कई कुछ राजनीतिक पार्टियां थी, उनकी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही टेकअप करने से ही मना कर दिया, कहा कि जो लोग मूल पक्षकार नहीं थे उनकी अब बात किसी पुनर्विचार याचिका में सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पर सभी 19 याचिकाएं खारिज हो गई हैं।
अच्छा एक बात ये भी बताइए मुझे कि ये जो पुनर्विचार याचिकाएं थी ये खारिज हो गई। आप कह रहे हैं कि क्यूरेटिव याचिका वाला लीगल ऑप्शन तो बचता है, हालांकि वो बहुत नामुमकिन सा नजर आता है क्योंकि यही खारिज हो गई, लेकिन उसके लिए क्या कोई टाइम बाउंड कोई समय सीमा होती है कि इतने दिन के भीतर भीतर आपको करना ही है? जी नहीं, क्यूरेटिव के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं होता है, रिव्यू के लिए 30 दिन की मियाद है होती है, लेकिन क्यूरेटिव के लिए इस तरह की कोई समय सीमा नहीं दी गई है। पर वो बहुत ही गंभीर मामलों पर दाखिल की जाती है और उसमें बहुत गंभीर प्रश्न उठाए जाते हैं कि किस तरह से बिल्कुल न्याय का हनन हो गया है या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति है जिसकी वजह से कोर्ट के फैसले को बदलने की दोबारा विचार की जरूरत है, तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी। हालांकि मुझे जितना मैं समझ पाया हूं इस मामले से जुड़े पक्षकारों को, वो इस ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करेंगे, शायद छोड़ेंगे नहीं रिव्यू के बाद भी, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। और कोर्ट अगर सुनवाई करता और कोई रोक लगाता 9 नवंबर के अपने फैसले पर तो स्थितियां बदलती भी। 3 महीने के भीतर सरकार को ट्रस्ट बनाना था, 1 महीना पहले ही बीत चुका है, तो ऐसे में क्यूरेटिव कब दाखिल होगा और उसका क्या असर होगा? मुझे नहीं लगता कि 9 नवंबर के फैसले पर अब कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने जा रहा है। जो फैसला था जैसा था अब वही रहेगा। वारिस पठान साहब आइए, होगी दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी क्या? वारिस पठान साहब सुन पा रहे हैं मुझे? वारिस पठान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इलिया शरफुद्दीन आइए, क्यूरेटिव पेटिशन हासिल कुछ नहीं होगा जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, लेकिन फिर भी रोड़ा अटकाने के काम तो आई जाएगी है, किया जाएगा ये? रोड़ा शब्द आप क्यों यूज करते हैं जब एक लीगल इशू है? रोड़ा शब्द क्या है? आपके हिसाब से कोर्ट चलेगा क्या? कोई बात नहीं, खुशी की बात है, कुछ जो बनाए मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जो बनाना है बनाइए, कोर्ट जो कहे बनाइए, लेकिन भाई एक पक्ष रखने के लिए तो भारत के संविधान में सबको अलाउड है, तो अगर कोई आपके पक्ष से नहीं सहमत है वो कोर्ट का रास्ता खटखटाता है, देन व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड रोड़ा? क्योंकि सर भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर दो समुदायों के बीच में खटास और बढ़ानी है, दरार और बढ़ाते जानी है, तो करते जाइए अपील, हासिल तो कुछ होगा नहीं। राजनीति चमकाने के लिए अपील पर अपील पर अपील करके मुसलमानों को आइसोलेट कर दिया आपने, तब भावनाएं नहीं थी आपकी? आप कह रहे हैं सब धर्म के आदमी यहाँ पे आ सकते हैं, मुसलमान नहीं आएगा, तब भावनाएं नहीं थी? इन भावनाओं के बारे में भी सोचिए। मुसलमान को आइसोलेट कर दिया, मुसलमान कैसे आइसोलेट हो गया सर? सवाल तो यही है कि मुसलमान आइसोलेट कैसे हो? ठीक है जफर इस्लाम भाई, इलियास साहब की बात सुन लीजिए, इलियास साहब आराम से संयम से, इलियास साहब इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आइए जफर इस्लाम साहब, विवेक जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है सरकार। सर आप लोग तो बार बार ये कहते हैं कि मोदी सरकार में तो बिल्कुल मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन विपक्ष के बोलते मैं जवाब देता हूं उसका, जवाब देता हूं। आइए आइए। नहीं नहीं, मुस्लिम तो परेशान नहीं है। नहीं नहीं, सीएबी के कॉन्टेक्स्ट में बात करिए, या मुस्लिम के पहने रहते हैं शराबुद्दीन जैसे लोग, उनके साथ जो रहते हैं अपने सिर्फ वोट के लिए, वैसे लोगों को जरूर तकलीफ हो सकती है, एक आम नागरिक मुस्लिम नागरिक को कोई तकलीफ नहीं है इस तरह के बहकावे, और इसमें कभी मुस्लिम समाज नहीं आएगा। देखिए मैं कहता हूँ इस्लाम के बारे में बात करते हैं, अरे सुन रही है, इस्लाम का आप दुनिया तो पहन के आते हैं, लेकिन जो इस्लाम में सबसे ज्यादा जिस पर जोर दिया गया है उस जबान पे, आपके अल्फाज पे और आपके लहजे पे और आपके मुसलमानों के सब प्रतिनिधि मत बनिए, इसलिए आप इन बातों का जिक्र ही मत कीजिए। भी आप जैसे आप बार बार मुसलमान लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्लेम नहीं कर सकती है, नुकसान होगा। ये कोई मुस्लिम से मुस्लिम समाज आपको इग्नोर करेगा, आप चाहते हैं इसके खिलाफ एक मिनट समाज होने एक मिनट मुझे विवेक जी एक मिनट जफर इस्लाम एक मिनट आप लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, जो आरोप यहाँ पर विवेक जी की तरफ से लगाए गए, मुझे लगता है हमें सुनाना चाहिए, हमें राजनाथ सिंह को सुनाना चाहिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह ने जो कहा वो आपके लिए सुनना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी इसी बिंदु पर मैं क्यों सुनाना चाहती हूँ राजनाथ सिंह की बात आपको, जब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे, सुनाइए जरा। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक भय पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है, कुछ राजनीति कांग्रेस सहित बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों का यह मानना है कि किसी के दिल में दहशत पैदा करके उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं अभी एवीपी पे हूँ, 5-7 मिनट। सुना आपने विवेक जी, मुसलमानों के भीतर बीजेपी के नाम का भय दिखाकर ये कहकर कि ये तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, बीजेपी का डीएनए मुसलमानों के खिलाफ रहा है,
ये मुसलमानों को देश का सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं सीएबी और एनआरसी की मदद से। इस तरह से आप ये सच्चाई है और आप इस तरीके की बातें करके मुसलमानों को डरा रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल सच्चाई को डरा रहे हैं। आप क्यों डरा रहे हैं मुसलमानों को? नहीं डरा रहे हैं आप, जो सच्चाई हम बोल रहे हैं फिर ये चंद मुसलमानों को फेस बना करके टीवी पे लाने से मुसलमान फ्रेंडली नहीं बनने वाले। सर आप मुसलमान की पॉलिसीज एंटी माइनॉरिटी है। आपकी पॉलिसीज एंटी माइनॉरिटी है। आपने शिया बलोची अहमदिया ये भी पीड़ित है पाकिस्तान और बलोचिस्तान में और अफगानिस्तान में। इनको आप शरणार्थी नहीं बनाना चाहते, मदद नहीं करेंगे। रोहिंग्यास को आपने भगाने की कोशिश की। ठीक है, हमने जवाब दे दिया। आपने बात रख दी ना, आपने बात रख दी ना। आ रही हूँ जफर भाई, लगातार आप भी मत बोलिए सर, बारी बारी से सबके पास आ रही हूँ। संगीत रागी अब तक नहीं बोले हैं, वो नियम का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि विवेक जी ने यहाँ पर बैठकर जो शिया अहमदिया बलोच रोहिंग्या सबको गिना दिया, मैं तो देश के मुसलमान की बात कर रही हूँ सर। इनके नैरेटिव से देश का मुसलमान गायब है। वोट लेने के लिए बिल एंटी मुस्लिम था और यहाँ आपका बिल एंटी मुस्लिम था। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला है। अच्छा, जवाब सुन लेंगे आपका बिल एंटी मुस्लिम था। तो देश के मुसलमान को क्यों डरा रहे हैं सर? देश के मुसलमान को डरने की जरूरत है? रुमाना 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 सबसे पहले तो कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट होता है, पांथिक जो संघर्ष होता है किसी समाज के अंदर, वो एक अलग मुद्दा है और रिलीजियसली पर्सिक्यूटेड कम्युनिटीज अलग मुद्दा है। इन दोनों के बीच जो भेद नहीं कर पाते हैं, कोई भेद इंटेलेक्चुअली भेद नहीं कर पाते, कोई भेद नहीं है। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। आप सर, मैंने कह दिया कोई भेद है ही नहीं। सर सुन लीजिए ना, आपको किसी ने नहीं टोका ना सर। बात कर रहे हैं सर, आपको किसी ने नहीं टोका। सुन लीजिए साहब, पीड़ित है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं बेवकूफी करना जरूरी है देश के चैनल के सामने? दुखी नहीं होता आदमी? नहीं, बेवकूफी करना आवश्यक है। आपने अपनी बात बोली है ना, या चाय की दुकान की तरह भी कैटेगराइज करेंगे सर? हत्या को भी इस देश में क्लासिफाई किया गया है। यानी क्या बेवकूफ, गैर इरादतन हत्या या इरादतन हत्या? क्लासिफिकेशन इसी वजह से इस देश की कानून में समझ ही नहीं आती है। पढ़े लिखे हैं आप? कहां की आप लोग पढ़े लिखे सर? आप पॉइंट पढ़े लिखे नहीं है तो बेवकूफ को गुमराह करते हैं। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया था। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है आज की इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय यही कि देश का मुसलमान न डरे और न गुमराह हो। मुसलमान सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही विचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संविधान की शपथ देख रहे थे आप।